राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने सेना के पुरोधा पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल मदन मोहन लखेड़ा को राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड का प्रमुख बनाया है, जो पार्टी का सर्वोच्च पद है। सेवानिवृत्ति के बाद भी जनरल लखेड़ा ने देश प्रदेश की बदहाली से विचलित होकर राष्ट्र के नवनिर्माण हेतु स्वयं को जनसेवा के लिए समर्पित किया है। पार्टी उत्तराखंड में भी जनरल लखेड़ा के मार्गदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एसपी शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड निर्माण के दो दशक बीतने के बाद भी राजनीतिक परिवेश में आज तक किसी ने भी सिद्धांत की राजनीति नहीं की। सिद्धांत, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसी बातें सिर्फ भाषणों और घोषणा पत्रों तक सिमट गई। सत्ता परिवर्तन होता रहा लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया। प्रदेश पलायन के दंश झेलता रहा। नेता और सरकारें यह सब ताकती रही और अपनी वो पार्टी की जेब भरती रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि दूसरों की आलोचना करना हमारा सिद्धांत नहीं है, लेकिन हकीकत को नकारा भी नहीं जा सकता। अब नई सदी की नई सोच व नेतृत्व के साथ राजनीति के नए प्रयोग का उचित समय आ गया है। प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का विधिवत लॉन्च शीघ्र ही देहरादून से होगा। उन्होंने कहा कि जनरल लखेड़ा के साथ पार्टी का पहली बार शुचिता और अनुशासन के साथ देवभूमि से चुनाव लड़ना हमारे लिए गौरव की बात है। पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिसके लिए प्रत्याशी व चुनाव जनता की राय से किया जा रहा है और आम जनता ही जन घोषणा पत्र भी तैयार कर रही है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के लिए यह गर्व की बात है कि सेना में लंबे समय तक अपनी सेवा देते रहे लेफ्टिनेंट जनरल MM लखेड़ा, जो राज्यपाल भी रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के एडवाइजरी प्रमुख के तौर पे स्वीकृति दी है और पार्टी ने उन्हें नेशनल एडवाइजरी बोर्ड का प्रमुख चयन किया है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि एक ऐसा शख्स हमारे साथ जुड़े हैं जिनके साथ शुचिता के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। वो उत्तराखंड के अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा और हमें पूरा विश्वास है राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी MM लखेड़ा के साथ अपनी नीति और नियत के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड समेत जहां भी चुनाव हो रहे हैं तो उनके सानिध्य में आगे बढ़ेगी और देश के लिए एक सुनहरे राजनीतिक भविष्य का संचार करेगी और एक नया देश और नए विजन के साथ आगे जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के मुख्य सिद्धांत सुशासन व पारदर्शिता के साथ जवाबदेही शामिल है, जिसके लिए रियल टाइम डाटा के साथ न्यू एरा लीडरशिप को तैयार करना है, ताकि देश में व्याप्त राजनीतिक संक्रमण जैसे आपराधिक परिवारवाद व पार्टी द्वारा प्रत्याशी को थोपने की कुप्रथा पर रोक लगाई जा सके। 21वीं सदी का वर्तमान युग सूचना तकनीक जनसंवाद एवं प्रौद्योगिकी का युग है। उन्होंने कहा कि पार्टी के उद्देश्य में एक ही इलेक्ट्रॉनिक कार्ड पर समस्त सेवाओं को लाना है, ताकि कार्डों के बोझ से निजात मिल सके और कोई एक कार्ड राष्ट्रीय को प्रमाणित कर सके। प्रत्येक पंचायत में उसी क्षेत्र के 10 लोगों को रोजगार देकर हर सेवा को घर पर ही उपलब्ध करवाना शामिल है। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।